तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। और आज हम दिखाने वाले कुछ अलग। और जैसा कि आप सबको पता है कि अभी धान कटाई का, धान जो खेत में रोपा गया था वो पक चुका है और उसको अभी धान में ही है, खेत में ही है, तो उसको कटाई चल रहा है। तो चलिए फिर दिखाते हैं हम लोग का घर माँ का कि हम लोग काट रही है खेत में। तो चलिए फिर दिखाते किस तरह का काटा जाता है, किस तरह का बांधा जाता है, पूरा वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। देख सकते हैं कि मेरे आगे पीछे आए दाएँ पूरा यहाँ पे पूरा कट चुका है, आधा से ज़्यादा खेत कट चुका है। तो ये हम लोग का खेत नहीं है, दूसरा का खेत है, तो दिखाते हैं फिर। चलिए तो हम लोग का खेत देख सकते हैं कि ये वाला है। और रोपाई जो जिस टाइम पे हो रहा था उस टाइम भी इसी खेत में वीडियो बनाए थे। और अभी धान पक चुका है और देख सकते हैं कि यहाँ पे चाची माई लोग काट रही है। तो चलिए फिर दिखाते हैं कि किस तरह से काटते हैं और जो गोंच ऊँच होता है सब दिखाएंगे कि किस तरह से दिया जाता है। पक गया है, चरक चरक हो गया है और इसी को कटाई हो रहा है। इधर देख सकते हैं धान इस तरह से मोड़ा जाता है, उसके बाद नीचे रखा जाता है, इसके ऊपर ही धान काट काट के रखा जाता है और फिर इससे बांधा जाता है। बांधा जाता है ऐसे नीचे रखें, उसके बाद इसके ऊपर काट काट के रखा जाता है। इस तरह का काटते हैं, देखिए हंसुआ से। काटना तो देखा रही हो सबके देखा रही। हम लोग खेत में धान नहीं है, हम लोग गरीब आदमी है, अभी क्या ना करें। और इधर हमार माय काट रही है, देखिए। हाँ ये मेरी माय और इतना सारा काटी है, अभी अभी आई है, इधर से काटते काटते इधर आई है। और इधर देखिए किस तरह से हम लोग का धान जो इधर पेड़ सब है उसी के चलते हवा के चलते सूख गया है, जो मतलब नीचे झुक गया है ज़्यादा भारी हो जाने के कारण। ज़्यादा धान है उसके चलते जमीन पर पड़ गया। सकते कि यहाँ पे पूरा दे के पूरा हो चुका है। तो इस तरह का ऐसे जो नीचे दिया हुआ रहता है उसको ऐसे उठाते हैं और इस तरह का बांधा जाता है, देख सकते हैं। इस तरह से बांधा जाता है काट काट के पूरा। सकते हैं कि यहाँ पे एक वहाँ पे एक वहाँ पे एक वहाँ पे है। और यहाँ पे बनाया हुआ हो गया और वहाँ पे कुछ दूरी पे एक अलग खेत है और वहाँ पे मेरे पापा अकेले काट रहे हैं। तो वहाँ पे हम काटेंगे और हम भी काट के दिखाएंगे कि किस तरह से काटा जाता है। मेरे पापा भी कुछ काट रहे हैं तो उसका भी वीडियो बना देंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से काट रहे हैं धान। देख सकते हैं इधर पूरा धान का खेती खेत है और सब पक चुका है और काटने का समय भी आ गया है। और इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से काट के जो बीड़ा होता है वो इस तरह से खड़ा इसलिए किया जाता है ताकि जो नीचे ज़मीन पे रहने से दिया मिट्टी लग जाता है, जो पानी खेत रहता है ना उसी की वजह से इस तरह का खड़ा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर उतना भींगा हुआ खेत नहीं है इसीलिए एक दो को वैसे ही खड़ा कर।
देख सकते हैं खाली सिर्फ जो धान होता है उसी को एकदम कटिंग करके कितना अच्छा से मूसा सब बिना मेहनत के इतना सारा घुसा लिया है। साला साल भर जितना खा नहीं सकता, जितना बड़ा पेट नहीं है उतना धाने घुसा दिया एकदम, सिर्फ धान सब देख सकते हैं इतना इन लोग का पेट है, कितना खाएगा। और उधर है वहाँ पे उतना इतना ज़्यादा कोड़ के निकलना पड़ा, बहुत ही अंदर ले गया था। और इसी से लेके जाएंगे घर।